ਖਾਣ ਖਾਪੇ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾ ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਟੈਮ ਚੱਕਦੇ ਆ ਡਾਡਾ ਸਜਣਾ ਗਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣਾ ਬੈਲੀ ਤਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਸਾਡਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਛੱਡ ਆਈ ਚਾਰੀ ਤੋੜੀ ਚੱਟੀ ਘੁੰਮੇ ਬੈਂਟਲੀ ਚ ਗਾਲੀ ਬਰਾਡਾ ਖੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਰਾਡਾ ਖੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांवा और गुड़गांवा देखते हैं कि हमें महिंद्रा थार मिलती है या नहीं मिलती है। किसी ने बताया था आप वहाँ ट्राई करें, तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांवा। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें थार मिलती है या नहीं। और ये हम पहुंच गए हैं हीरोंडा चौक। ये है बोर टॉयज, आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में शोरूम है और ये गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। तो अभी हमारा है कि हम पहले जाएंगे जिम में, हमारे जीजा जी का जिम है यहाँ सेक्टर 15 में, तो पहले जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद चलते हैं महिंद्रा थार की टेस्ट ड्राइविंग लेने और देखते हैं गाड़ी अगर आज मिलती है तो आज गाड़ी लेके आएंगे। तो चलो चलते हैं पहले जिम में, उसके बाद चलते हैं थार लेने। ये आ गया है सेक्टर 15 का एग्ज़िट, तो ये हमने एग्ज़िट ले लिया है और अभी चलते हैं जिम की तरफ। सेक्टर 15 वाले रोड पर है जिम, द बॉडी लाइन जिम के नाम से है। कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट में चलाग दी कमाल, वो किथे चली जान्दी है, वो किथे चली जान्दी है। तेनू पूछना है कोई सवाल, वो दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल, तू दूरो दूरो जान्नी है, जान कट जान्नी है। ये है द बॉडी लाइन जिम। एने भी नखरे तू कर ना सोनी, है और ये हमारी गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी। नीचे बेसमेंट में है और ये ऊपर सैमसंग और गीतांजलि का स्टोर है, तो इसमें बेसमेंट में है ये। तो चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ये है जिम आपको नजर आ रही होगी, है मशीनें वगैरह लगी हैं, ये वेट लिफ्टिंग वाला है और ये रिसेप्शन है और ये एंट्री थी जहाँ से हम आए थे और ये ट्रेडमिल वगैरह रखी हुई है। तो चलो अब एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, अब चलते हैं महिंद्रा के शोरूम पे। ये हमने थार की टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल मंगा लिया है, तो अभी टेस्ट करते हैं। ये है पेट्रोल में ऑटोमेटिक में, तो कंपनी वाले बोल रहे थे कि पेट्रोल में लो सर, डीजल में नहीं लेनी, क्योंकि डीजल की जो है वो 10 साल तक चलेगी और पेट्रोल की है 15 साल तक, तो रीसेल वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो हम अभी टेस्ट करके देखते हैं कि पेट्रोल वाली ठीक है या डीजल वाली है और एवरेज किसकी क्या ज़्यादा है। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कि क्या पिकअप रहता है और गाड़ी कैसी परफॉर्मेंस करती है। ये सेक्टर 14 पे है महिंद्रा का जो शोरूम है, बस स्टैंड की तरफ जाता है रोड, तो बस स्टैंड से जस्ट पहले राइट साइड में है। आप जब आएंगे सेक्टर 14 वाले रोड से तो ये राइट साइड में पड़ेगा और ये सामने 700 खड़ी है। तो ये थी थार रेड कलर में पेट्रोल ऑटोमेटिक, तो ये हमने चला के देखी। इसमें जो MID शो कर रही थी वो 7 और 8 के बीच में एवरेज शो कर रही थी, तो मेरे हिसाब से पेट्रोल में तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, डीजल में 12 प्लस एवरेज आराम से देगी। तो ये थी थार की टेस्ट, तो अपना अपना वो है, किसी को पेट्रोल में चाहिए या डीजल में, बट हमें डीजल की वाली ठीक लगी तो डीजल वाली हम बुक करा देते हैं।
तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।